आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का साइंस का टॉपिक फन विद मैग्नेट्स मैग्नेटिक फन विद मैग्नेट्स MAGNETS मैग्नेट्स। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। कि एक मैग्नेट के अंदर, मैंने कल ही आपको बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे आती हैं। जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की तरफ रब करते हैं या किसी आयरन को मैग्नेट की तरफ, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है ना। अब कहते हैं ये ख़त्म कैसे होती हैं एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक मैग्नेट के अंदर, यानी लॉस कैसे होती है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट इज़ लॉस्ड, कैसे ऑन कैसे ख़त्म कैसे होती है, हीटिंग। अगर हम उसको हीट करेंगे, अगर हम उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तो आस्ते आस्ते जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज़, अट्रैक्ट मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन कोबाल्ट एंड निकल को अपनी तरफ, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म होती जाएंगी। एक तो क्या होता है, ऑन हीटिंग, हीट करने से यानी गर्म करने से, हैमरिंग हो थोड़े से तोड़ने से, या हीटिंग या किसी और चीज़ से ज़ोर ज़ोर से तोड़ने से, जैसे बड़ा हो थोड़े से बड़ा होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़, ठीक है ना, या हैमरिंग मतलब हो थोड़ी से ज़ोर ज़ोर से मारने से, ठीक है ना, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो लॉस होती हैं। दूसरा है ड्रॉपिंग, अगर हमें कहीं से किसी हाइट से, बहुत ऊपर से किसी हाइट से गिर जाएगा नीचे, वो टुकड़ों में मतलब वो टूट जाएगा टुकड़ों में, तो फिर भी उसकी काफ़ी उसका फ़र्क पड़ेगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसकी ख़त्म हो जाएंगी, किसकी, मैग्नेट की, ठीक है ना। तो कल हमने पढ़ा था कि हमने इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती कैसे हैं, जब हम एक मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के साथ रब करते हैं या किसी आयरन को मैग्नेट की तरफ रब करते हैं तो उसमें आ जाती है। लेकिन यहाँ आज पढ़ा हमने लॉस कैसे होती है, बिकॉज ऑफ हीटिंग, जब हम उसको गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, या हैमरिंग या जोर जोर से मारते हैं, हीटिंग करते हैं, या कि ऊपर हाइट से गिर जाता है टुकड़ों में, मतलब बढ़ जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना, दैट मीन्स इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लॉस्ड। फिर है जो एक मैग्नेट है, देखे ना, मैग्नेट में होते हैं दो पोल्स, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है ना। तो ये जो दोनों पोल्स होते हैं मैग्नेट में, इनका क्या मतलब होता है, ये पोल्स अट्रैक्ट करते हैं किसी भी मैग्नेटिक थिंग को या आयरन को अपनी तरफ। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन होता है जब दूर भागना, ठीक है ना। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, क्या मतलब है, जो लाइक पोल्स हैं, जैसे ये मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं साउथ एंड नॉर्थ, यहाँ से दूसरा मैग्नेट है, यहाँ पे इसके दो पोल्स हैं साउथ एंड नॉर्थ। देखो अब ये पोल इसके अपोजिट है, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मतलब ये लाइक नहीं है। अगर यहाँ साउथ साउथ होता तो दूसरी बात, यहाँ में नॉर्थ एंड साउथ, यानी मैं दे आर अनलाइक पोल्स, मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ है, या एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। देखो जैसे यहाँ ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, इधर से भी सेम हो, या नॉर्थ एंड साउथ, दे विल रिपेल, यानी ये दूर दूर भागेंगे, बिकॉज दे आर लाइक पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ मतलब एक जैसे हैं, तो दे आर लाइक पोल्स, तो लाइक पोल्स रिपेल, वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। द सेम वे इन द थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड वाले इसमें देखो, मैग्नेट में आप देखो नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, दो पोल्स हैं, दिस इज नॉर्थ वन एंड दिस इज साउथ वन, दैट यू नो। अब यहाँ से भी हमने दूसरा मैग्नेट, इसका भी है साउथ एंड नॉर्थ, देखो ये भी साउथ है ये भी साउथ, दैट मीन्स दोनों सेम है, दे आर लाइक, सो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये भागते हैं एक दूसरे से, वेयर एज अनलाइक पोल्स, अगर इसकी जगह साउथ की जगह यहाँ पे नॉर्थ होता तो ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे साउथ है तो ये देर में रिपेल, ये भागेंगे एक दूसरे से, दूर भागेंगे, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये दिस इज़ ऑल अबाउट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो क्या होता है, अब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मैग्नेट में जो पोल्स हैं लाइक पोल्स दे रिपेल, वेल एज अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। फिर है मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, दो दो करके, यानी एक यहाँ तो एक यहाँ, ये पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। इफ़ यू कट, अगर देखो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये एक बार हमारे पास एक ये क्या है, दिस इज़ ए बार मैग्नेट, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, हम इसको काटते हैं बीच में से, ठीक है ना, इफ़ यू कट ए बार मैग्नेट हाफ, हम इसका आधा काट देते हैं, इट विल फॉर्म ए फोर फोर पोल्स, इसके चार पोल बन गए, कैसे, मैंने इसको काटा, इसके ऊपर वाले के बन गए नॉर्थ एंड साउथ, नीचे वाले के भी नॉर्थ एंड साउथ, यानी एक बार मैग्नेट को काटने से चार इसके ये दो हाफ में डिवाइड करने से इसके चार पोल बनते हैं, ये नॉर्थ को भी नॉर्थ साउथ हो गया और नीचे वाले साउथ वाले को भी हो गया नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज़ द वे हाउ बैट मैग्नेट अट्रैक्ट ईच एंड रिपेल ईच अदर, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक पोल। जो मैग्नेटिक पोल्स हैं दे ऑलवेज दे आर मतलब दे डोंट एग्जिस्ट इन सिंगल नहीं एग्जिस्ट करते, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है ना, पेयर्स होता है जोड़ा, ठीक है ना,
अगर हम जो काटेंगे जोड़े में एक्स करेंगे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो आज हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है, हीटिंग हैमरिंग एंड देन ड्रॉपिंग से, और अट्रैक्ट पोल्स लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आप लोग भी पढ़ना जो हमने आज पढ़ा है। ओके।